हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पॉलीटेक्निक में स्वागत है। मैं पी कुशवाहा, हम बात कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने मशीन से जुड़े कुछ थ्योरी क्वेश्चन देखे, फिर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। इसमें हम कुछ मशीन को एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे, उसका प्रिंसिपल समझेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या है वो समझेंगे, और वो कैसे वर्क करता है ये समझेंगे। तो ये चलते हैं लेक्चर की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ सिंपल मशीन यहाँ जो लिफ्टिंग मशीन मतलब जिसके द्वारा हम लोड को उठाते हैं, उन मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज जो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वो हमारा है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में आएगा हमारा सिंपल व्हील एंड एक्सेल, और दूसरा रहेगा व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सेल, और तीन मशीन के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक ये क्या है, इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। और जो अगला लेक्चर होगा वो टोटल बेस पुली पे होगा। फिर जो अगला लेक्चर होगा, जो रिमेनिंग बचेंगे इन 1, 2, 3 वार्म एंड वार्म हील, सिंगल परचेज, क्रैब विंच, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है हमारा सिंपल विंड एंड एक्सल, इसको बोलते हैं साधारण पहिया एवं धुरा। दोस्तों, ये भी एक मशीन होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिंपल मशीन, इसमें एक दिखाई गई है। इसमें क्या होता है, केवल एक पहिया होता है, एक धुरा होता है। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं धुरा, जिसको एक्सल बोलते हैं, और एक पहिया होता है जिसको हम व्हील बोलते हैं। तो व्हील द्वारा हम यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं पी, और एक्सल द्वारा हम यहाँ पे लोड को उठाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका जो रस्सी होती है इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें एक्सल में एंटी क्लॉक होती है, आपको ध्यान देना है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ताकि एक खुले दूसरा बनता चला जाए। अगर ये वाला बंधेगा तो ये वाला खुलेगा, इस रास्ते। आइए आप हमको एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप इस फिगर को कई बार देखे होंगे, इससे आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल आसानी लगेगा। आपने ये मशीन बहुत देखा होगा। एक्चुअली होता क्या, यहाँ से हम लोड को उठाते हैं तो यही हमने भी दिखाया W होता था, इसको हम घुमाते थे हाथ से पकड़ के, ये हमारा P होता था। दोस्तों, ये अधिकतर हमारा कुएं के बगल लगा होता था, कहीं हमको पानी उठाना होता था गहराई से तो हम इसका प्रयोग करते थे। एक्चुअली होता क्या था, जब हम इसको घुमाते थे तो यहाँ पर क्या होता, रस्सी बनती चली जाती थी। अगर उठाना है तो रस्सी बनती चली जाएगी तो हमारा लोड उठता। चला जाएगा मतलब, तो हम रस्सी द्वारा पकड़ के इसको खींचेंगे तो हम पी उस रस्सी के द्वारा लगाएंगे। तो मानते हैं इसका डायमीटर जो है व्यास कैपिटल डी है, और इसका जो डायमीटर होगा वो होगा हमारा स्मॉल डी। ठीक दोस्तों, अब क्या होगा, आगे चलिए देखते हैं। इसके अगर न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो कुछ इस तरह होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको इसका डायमीटर हमने माना क्या है, डी कैपिटल डी, और इसका क्या हुआ, स्मॉल डी। तो देखिए दोस्तों, हम एफर्ट लगाएंगे, अगर हम एक बार एक चक्कर पूरा घुमाएंगे तो व्हील कितना घूमेगा, पाई इंटू कैपिटल डी। एफर्ट द्वारा चली गई दूरी कितनी जाएगी, पाई इंटू डी, और जो एक्सल द्वारा जो डब्लू लोड चलेगा वो कितना होगा, पाई इंटू स्मॉल डी। दोस्तों, यहीं पे हो। अब हम यहाँ पे इसका इलास्टिक रेशियो निकाल लेंगे। तो इलास्टिक रेशियो जो निकलेगा, जो हमारा एफर्ट द्वारा डिस्प्लेसमेंट होगा हमने बताया पाई इंटू डी होगा, और लोड द्वारा जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वो होगा हमारा स्मॉल पाई इंटू स्मॉल डी। इलास्टिक रेशियो होता हमारा क्या, वाई अपान एक्स। वाई क्या होता है, पी द्वारा चली गई दूरी, और एक्स होता है डब्लू द्वारा चली गई दूरी। तो दोस्तों, आप यहाँ रखिए पाई, पाई से हमने बोला था, पाई से आप जा सकते हैं पी और वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई डी अपान पाई डी, तो पाई से पाई कट जाएगा, जो हमारा इलास्टिक रेशियो बचेगा होगा हमारा डी अपान कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये निकल के आएगा। वहीं पर अगर यहाँ पे हमें जो रस्सी है उसका भी कोई ना कोई डायमीटर हो, अगर हम उसको कंसिडर करें तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह होगा। जैसे देखिए, इलास्टिक रेशियो डी क्या हो गया, इस पर जो रस्सी इसका जो व्यास है प्लस इसमें जो रस्सी बंधी है उसका डायमीटर डी आर वन अपान इलास्टिक रेशियो डी इंटू पाई डी आर टू। दोस्तों, एक्चुअली होगा क्या, ये पाई डी होगी इसकी परिधि, जो रस्सी लिफ्टी होगी उसकी होगी पाई इंटू डी आर वन रोप वन का, और ये हो जाएगा पाई स्मॉल डी प्लस पाई, और ये जो इस पर रस्सी बंधी होगी उसको जोड़ देंगे, उसकी लंबाई हो जाएगी पाई डी आर टू। तो बाई लेके कमन हो जाएगा तो हमारा ये वाला पूरा टोटल बचेगा। तो यहाँ पे ये हमारा इलास्टिक रेशियो निकलेगा, जहाँ हमारी रस्सी की मोटाई दी होगी। अगर रस्सी की मोटाई नहीं दी है तो हमारा ये वाला इलास्टिक रेशियो फार्मूला लगेगा। अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, हमारा वही पूरा पुराना ही फार्मूला रहेगा, जो डब्ल्यू अपान पी रहेगा, और ईटा हमारा रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज अपान इलास्टिक रेशियो, मतलब कि यांत्रिक लाभ अपान वेग अनुपात। दोस्तों, यही हमारा, इतने में ही हमारा ये व्हील एंड एक्सल खत्म हो जाता है सिंपल में।
के लिए जो हमको फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, और जब रस्सी की मोटाई दी होती है तो उसमें वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या होता है, वो ये याद रखनी है। अब इसमें अगर कुछ न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इन व्हील एंड एक्सल ए डायमीटर ऑफ द व्हील इज 400 mm, जो हमारा व्हील है जो पहिया है उसका जो डायमीटर है वो 400 mm है, और दैट ऑफ एक्सल 100 mm, जो हमारा एक्सल है स्मॉल डी हमारा ये हमारा स्मॉल डी हो जाएगा और ये हमारा कैपिटल डी हो जाएगा। द थिकनेस ऑफ द रोप इज 10 mm, दोस्तों रोप की भी थिकनेस दी हुई हमारा है 10 mm। तो व्हाट इज द रेशियो वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात हमारा क्या होगा ये पता करना है। इफ़ द एफिशिएंसी व्हेन लिफ्टिंग अ लोड 200 न्यूटन एट 10 मीटर पर मिनट इज 85%। दोस्तों देखिए, जब हम 200 मीटर लोड को 10 मीटर प्रति मिनट की दर से उठा रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 85%। तो हमको वहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है दोस्तों, यहाँ सॉरी एफिशिएंसी दे रखी हुई है। तब पूछ रहा हमारा फाइंड द पावर दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द मशीन, तो उस समय हमको कितना पावर मशीन को सप्लाई करना होगा ये हमको पूछ रहा है। तो ये देखते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं। हमको ये पता ही था कैपिटल डी हमारा दिया है 400 मीटर, इसमें हमारा रोप की जो थिकनेस है वो हमारी है 10 mm दिया हुआ है, और डायमीटर दिया है धुरा का जो एक्सल है उसका 100 mm है। वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे वी आर, दोस्तों देखिए जो हमारा धुरा पे है और जो हमारा पहिए पे दोनों की जो रस्सी है उसकी मोटाई 10 mm दी हुई है, तो यहाँ पे दोनों में डी आर वन डी आर टू ना रख करके केवल डी आर रखेंगे, तो डी प्लस डी आर अपान डी प्लस डी आर, तो हमारा हो जाएगा 400 प्लस 10 अपान 100 प्लस 10। तो इसको सॉल्व कर दिए तो आ गया हमारा 3.73। दोस्तों ये हमारा हो गया वेलोसिटी रेशियो जिसको बोलते हैं वेगा अनुपात। अब बात करते हैं वर्क डन पर मिनट बाय द मशीन इन लिफ्टिंग 200 at 10 per minute। दोस्तों देखिए हमारा क्या है, हमको अगर वर्क डन निकालना होता है तो वर्क हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स हमारा है 200 और डिस्टेंस हमारा क्या है 10 meter per minute, मतलब दोस्तों हम पर मिनट की बात कर रहे हैं तो 10 meter, तो वही हमको यहाँ पर निकल गया 200 into 10, मतलब 2000 newton meter हमें हमको यहाँ पर मिनट यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है कि पावर ऑब्टेन फ्रॉम द मशीन, दोस्तों हमको कितना पावर मिला, तो P इक्वल टू होता है W बाई टी, हमने कितना वर्क किया। यहाँ दोस्तों यहाँ पे वर्क है वहाँ लोड में समझिएगा, और ये टी हमारा टाइम है, यहाँ पे हम सेकेंड में निकालते हैं, तो यहाँ पे 2000 पर 60 डिवाइड कर दें तो हमारा लगेगा 33.3 वाट, इतनी हमको पावर जरूरत पड़ेगी, इतनी हमको शक्ति लगानी पड़ेगी इस मशीन के लिए। फिर पूछ रहा है कितना पावर सप्लाई करना पड़ेगा अगर मशीन की दक्षता 85% है। दोस्तों यहाँ पे देखिए वो अगर हमारा 1 न्यूटन है तो उसका 85% ही वो पावर सप्लाई कर पा रहा है, हमारा 33.3 वाट है तो उसको हम 0.85% को हमने अगर न्यूमेरिकल बदला तो 85/100 हो जाएगा, तो बचेगा 0.85। तो जब हमने इसको चेंज किया तो हमारा जो पावर सप्लाई करना पड़ेगा हमको सप्लाई करना पड़ेगा 39.2 वाट। दोस्तों देखिए अगर हमारी एफिशिएंसी मशीन की दक्षता 100% होती तो हम कितना इतना केवल पावर देना पड़ता, लेकिन वहीं पे उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है 85% ही है, उनको ज़्यादा पावर देना पड़ेगा तब जाके वो उतना काम कर पाएगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे जो पावर सप्लाई करनी होगी 39.2 वाट करनी होगी। अब चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर, दिया है इन व्हील एंड एक्सल द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 55 सेंटीमीटर, जो व्हील का डायमीटर है वो 55 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल डी हमारा है 55 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द एक्सल इज 20 सेंटीमीटर, जो हमारा धुरा का व्यास है वो हमारा 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल डी। फिर आगे दिया हुआ है कुछ, द थिकनेस ऑफ द कार्ड ऑन द व्हील इज 4 mm, जो व्हील पर मतलब कि डी आर वन जो व्हील पर हमारा रस्सी बंधी उसकी व्यास उसका डायमीटर थिकनेस 4 mm है, तो उसका मतलब डी आर वन क्या है 4 mm, मतलब कि अगर इसको सेंटीमीटर में दोस्तों सभी को हमको यूनिट एक ही यूनिट में रखनी है सभी डायमेंशन को, तो हमने यहाँ रखा 0.4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm, तो जब हम mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 mm इक्वल टू हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 0.4 सेंटीमीटर। और वहीं पे जो ड्रम पे है मतलब जो एक्सल है दोस्तों, जो हमारा एक्सल है उसको हम ड्रम ही बोल देते कहीं दिया होता है, तो उस पर जो रस्सी बंधी हुई हमारी है 8 mm, तो हमारी हो गई DR2 8 mm, मतलब कि 0.8 सेंटीमीटर। बुझना फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन, मशीन का हमको वी आर पता करना है, वी आर क्या होगा। और पूछ रहा है इफ द एफिशिएंसी व्हेन लिफ्टिंग मशीन अ लोड इज 150 न्यूटन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर मिनट इज 80%, हाउ मेनी इज 80%। अगर हम किसी लोड को
किसी लोड जो 150 न्यूटन का है उसको 20 मीटर पर मिनट की दर से उठा रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी हमारी 80% है। मतलब एटा कितना है 0.8, मतलब कि 80% ये हमको दिया हुआ है। तो हाउ मेनी न्यूटन मीटर ऑफ वर्क मस्ट बी अप्लाइड सप्लाई टू मशीन पर मिनट। तो उसने यहाँ पूछा कितना हमको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन मीटर में। दोस्तों यहाँ वार्ड नहीं पूछा कि पावर हमको निकालना है, न्यूटन मीटर किसमें निकालना है, हमको वर्क निकालना है। तो चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हमको पहले वेलोसिटी रेशियो पूछा है तो पहले इसको निकालेंगे। यहाँ पे देखो पूछा है वेलोसिटी रेशियो कितना होगा। हमको पता है जब रस्सी की मोटाई विधि होती है तो हम निकालते हैं वी आर इक्वल टू डी, जो कैपिटल डी है और उस पर जो रस्सी लपेटी है उसकी मोटाई, तो डी प्लस डी आर वन। दोस्तों ये याद रहे डी आर वन डी आर टू, जैसे हम व्हील पहिए का बात कर रहे हैं ऐसे होती है कुछ। अगर हम पहिए की बात कर रहे हैं तो पहिए के ऊपर जो रस्सी मोटाई है तो उसको साथ में लिखेंगे और जो धुरे के साथ है उस रस्सी मोटाई उसको साथ लिखेंगे। तो डी प्लस 0.55 है और ये हमारा है 0.4। ये हमने लिखा डी प्लस डी आर टू। डी क्या है? धुरा जो एक्सल है उसकी डायमीटर है 20, उस पर जो रस्सी लपेटी गई है उसकी मोटाई है 0.8 सेंटीमीटर। तो हमने ये रख दिया। अब इसको सॉल्व किए तो हमारा 2.66। तो हमारा दोस्तों ये हो गया वेलोसिटी रेशियो, ये हमारा एक क्वेश्चन निकाल आया। फिर एक चीज़ और पूछ रहा था कितना हमको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों वो पूछ रहा है कि जब हम लोड को 150 न्यूटन लोड उठा रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी कितनी है 80%। हमको क्या करना है? एटा इक्वल टू एम ए अपान वी आर। तो हमको पता है एटा इक्वल टू एम ए हो जाएगा डब्ल्यू अपान पी इंटू वी आर, सॉरी नीचे हो गया हमारा वी आर। तो ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो ईटा हमारा हो गया 0.8, डब्ल्यू हमको यहाँ पे निकालना है 150 न्यूटन यहाँ पे मिल गया और पी हमको निकालना पड़ेगा कितना हमको प्रयास लगाना पड़ेगा, एफर्ट कितना है, और वेलोसिटी रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया तो हमारा निकल गया 70.5। इसको जब हमने हासिल किया तो आया 70.5 न्यूटन। दोस्तों अब और कुछ चीज़ पूछ रहा है। कितना हमको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा पर मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि जो हमारा पावर है जो हम पी लगा रहे हैं, क्योंकि हमको क्या होना है डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी। तो एफ तो पता चल गया हमारा पी है, लेकिन डी हमको नहीं पता चला कि हमारा जो पावर है वो कितना मूव हो रहा है। वाई हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ रखेंगे पी इंटू वाई। यहाँ पर जो फोर्स रहता है वो पी हो जाता है और जो डी होता है हमारा वाई हो जाता है, कितना मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम वर्क निकाल पाते हैं। तो पी हमको पता चल गया यहाँ से, अब हमको निकालना है वाई। तो हम वाई यहाँ निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो से। तो वी आर इक्वल टू होता है हमारा वाई बाई एक्स। तो वाई क्या है? हमारा पी द्वारा चली गई, मतलब कि एफर्ट द्वारा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, और हमारा डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी होती है। तो हम क्या करेंगे, वी आर हमको पता है 2.66 है, वी हम वाई हमको निकालना है, और दूरी हमको यहाँ पर क्वेश्चन पता चल गया था कितना चल रहा है 20 मीटर एक मिनट में 20 मीटर जा रहा है। हमने यहाँ पे ये रख दिया 20, तो हमको यहाँ से वाई पता चल गया 2.66 × 20। हमारा हो गया 53.2 मीटर हमारा जो प्रयास मूव कर रहा है वो इतनी उसकी डिस्टेंस है। अब कितना मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, तो एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट, वही हमने बात किया ना पी इंटू वाई। तो हमको सब कुछ मिला ही है, 70.5 हमने निकाला पी और वाई निकाल दिया, हमको यहाँ से मिल गया 53.2। तो हमको ये मिल गया 3750.6 न्यूटन मीटर। तो हमने ये किस में निकाला था, सब पर मिनट में निकाल रहे हैं। तो हमको इतना काम करने के लिए हमको इतना वर्क करना पड़ेगा 8750.6 न्यूटन मीटर का वर्क करना पड़ेगा हमको इतना लोड उठाने के लिए। अब दोस्तों अब बात करते हैं व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल। दोस्तों यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये फिगर थोड़ा रंग गलत दिया हुआ है। आपको दूसरे फिगर थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, दोस्तों इसमें क्या होता है, जो एक्सल जो हमारा धुरा होता है ये दो होते हैं। इसमें एक व्हील हो तो होता ही है, व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो जो व्हील बिल्कुल उसी तरह काम करता है, यहाँ पे एक व्हील होता है जैसे हम रस्सी द्वारा एफर्ट लगाते हैं, और यहाँ पर दोनों पे एक रस्सी बंधी होती है। अब क्या हुआ, जो हमारी धुरा है वो दो धुरे होते हैं जिनका व्यास अलग अलग होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक धुरा है जिसका व्यास D1 है और ये एक धुरा है जिसका व्यास D2 है। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें और इसमें जो धागे की डायरेक्शन है वो एक तरह होगी। जैसे मान लीजिए इसमें धारा इस तरह है, तो इस सी वाले में भी धागा इस तरह बैठा होगा और इसमें थोड़ा अपोजिट होगा, क्योंकि जब इसमें से खुलेगा तो इसमें जाके बंध जाएगा। जब ये खुलेगा तो ये वाला खुलेगा,
और ये वाला क्या होगा, इसमें धागा लपेटेगा। अब जब इसको हम मान लीजिए ये हमारा कसेगा तो ये भी हमारा बंध जाएगा और ये वाला हमारा खुलेगा, कुछ इस प्रकार इसका मैकेनिज्म होता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और निकलता है, मान लीजिए हमने इसको पाई डी एक चक्कर पूरा घुमाया, ठीक, इसको मैंने एक चक्कर घुमा दिया पहिए को, मेरा जो धुरा है ये घूमेगा कितना, पाई डी वन, और ये हमारा घूमेगा पाई डी टू। लेकिन जो हमारा ये लोड ऊपर की ओर उठेगा वो कितना उठेगा ये चीज़ है, क्योंकि कुछ तो इसमें खुलेगा इसमें बंध जाएगा, तो इसमें जो लुटे उठेगा ये हमारा होगा पाई डी वन माइनस पाई डी टू। तो ये हमारा यहाँ से निकल आएगा कितना हमारा डिस्टेंस मूव करेगा। तो यही हम निकालेंगे अब क्या वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाल। तो वहाँ से आपको समझ में आ गया, ये फिगर उसने यही वाला दे दिया है टोटल, इसलिए हमने उसको नहीं समझाया, ये हमारा व्हील एंड एक्सल के दे दिया सिंपल का। अब यहाँ पे वही लिखा डिस्टेंस मूव एफर्ट, जो हमारा पहिया था इस तरफ इसके द्वारा जहाँ पी लगा रहे थे उसके द्वारा हमारा पाई बाई डी चलेगा, और जो हमारा अनबाउंड बाई द एक्सल है जो हमारा सी पे था जो हमारा इस तरफ था बिल्कुल पास बगल हमारा पाई डी टू हो गया, और हमारा जो रोप वाउंड देखिए दोस्तों ये हमारा खुलेगा तो ये भी खुलेगा, और हमारा जो बीच वाला था उस पर हमारा टाइट होगा तो ये हमारा पाई डी वन। अब यहाँ से क्या होगा, लेंथ ऑफ द रोप विजुअली वाउंड इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना बंधेगा, तो ये टोटल इसका डिफरेंस हो जाएगा पाई डी वन माइनस पाई डी टू। दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग दिया हुआ है, यहाँ पे D1 बड़ा है D2 से, हमने वहाँ पे क्या माना था, तो इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जैसे D1 बड़ा था तो D1 पहले होगा, पाई D1 अपन पाई D2 बाई 2, हमारा ये वेट इतना मूव करेगा क्योंकि दोनों दोनों ही तो बनेंगे, जितना ये इतना ये, इसलिए दोनों का हमने क्या लिया, एवरेज लिया हुआ है। दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा, अब क्या इलास्टिक रेशियो क्या होगा, एफर्ट बाई वेट, डिस्टेंस बाई एफर्ट, डिस्टेंस बाई वेट। तो हमारा जो हमारा पहिया था वो तो पाई डी ही मूव करेगा, और जो हमारा वेट था वो इतना मूव करेगा पाई डी वन माइनस पाई डी टू बाई टू। तो हमारा ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टू डी माइनस डी वन माइनस डी टू। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, हमारे ये वेलोसिटी रेशियो आपको, दोस्तों इसमें केवल वेलोसिटी रेशियो ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं, जितने भी मशीन है उनका हमको वेलोसिटी रेशियो पता करना है और क्वेश्चन लगा देना है। वहीं पर अगर हमको रस्सी की मोटाई भी दी हो तो कैसे करेंगे, तो अगर हमारी जो पहिए पर रस्सी की मोटाई है वो हमारी R1 है, और जो हमारी D1 पे है वो DR2 और DR3, ऐसे कुछ हो सकता है, हो सकता है दोनों एक ही सेम के हों तो DR2 या दोनों आ गया। दोस्तों सबको हम इसमें जोड़ देंगे उसी के व्यास के साथ, बस दोस्तों हमको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने पाई के लेके यहाँ पे पाई को कामन कैंसिल आउट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे पाई नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमारा सवाल हो जाता है किसका क्वेश्चन, व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल का। वैसे आइए सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। दोस्तों न्यूमेरिकल क्या है, इन डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, दोस्तों यहाँ देखिए लिखा भी है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, द डायमीटर ऑफ द एफर्ट, एफर्ट किस में लगाया जाता है, पहिए पर, तो व्हील इज 40 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल ये डी हमारा 40 सेंटीमीटर है। द रेडियाई, दोस्तों ये भी रेडियस पढ़ा जाता है, इसको रेडियाई बोल देते हैं शॉर्ट में, हमारा होता है त्रिज्या। यहाँ देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया हो, यहाँ पर क्या देखिए रेडियाई त्रिज्या दी रखी हुई, इसको ध्यान दीजिएगा, आद एक्सल और 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो दोनों का अलग अलग दिया है, डी वन 15, दोस्तों देखिए आर वन दिया है तो इसको डी में चेंज किया, दो से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, और हमारा डी टू हो जाएगा 10 इंटू टू, मतलब कि 20 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए दोस्तों। फिर दिया है जो डायमीटर ऑफ द रोप इज 1 सेंटीमीटर, जो उस पर रस्सी बांधी गई है उसका भी व्यास हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो डी आर मान लिया 1 सेंटीमीटर। फाइंड द लोड विच कैन बी लिफ्टेड बाई एन एफर्ट ऑफ 10 न्यूटन, दोस्तों ये पूछ रहा है कि 10 न्यूटन एफर्ट लगाकर कितना लोड उठाया जा सकता है, अगर उसकी मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, 75% है, तो दोस्तों ये देखते हैं हमको केवल निकालना है, अगर एफिशिएंसी दी है तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, या फिर एफिशिएंसी दो चीज़ निकालना है तो हमको वेलोसिटी रेशियो पता होना चाहिए। दोस्तों किसी भी हमको वी एन निकाल लेंगे, ईटा निकाल लेंगे, और क्या निकालेंगे, एम ए, इन तीनों से हमको पता चल जाएगा, क्योंकि एम ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपन पी, हमको अगर डब्ल्यू दिया तो पी पता चल जाएगा, पी दिया तो डब्ल्यू पता चल जाता है, इसी प्रकार हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हम पहले यहाँ से वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, वेलोसिटी रेशियो का हमने फॉर्मूला अभी बताया ये वाला है, अगर रस्सी की मोटाई भी दी है तो, क्योंकि यहाँ पर रस्सी की मोटाई एक ही दी, मतलब कि सभी पर जो रस्सियाँ गई हैं वो एक ही मोटाई की गई हुई हैं, तो हमको केवल उतना ही सब में जोड़ देना है। तो हमारा हो जाएगा टू डी प्लस डी आर अपन डी प्लस डी, डी वन प्लस डी आर और डी टू प्लस डी आर, माइनस में होगा दोस्तों ये वाला। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी मान वैल्यू रख देंगे, टू 40 प्लस वन अपन 30 प्लस वन 20 प्लस वन, इक्वल हल किया तो 40 से 41 इंटू टू 82 आएगा,
और ये आएगा हमारा 31 माइनस 21, तो ये हमारा आ जाएगा 10। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा 8.2, तो जो हमारा वेलोसिटी रेशियो आया वो आया 8.2। हमको पी यहाँ पता चल गया है 10 है, एफिशिएंसी पता चल गई ईटा 75%, मतलब ईटा इक्वल हो जाएगा 0.75। तो हमने पूरा इस चीज में इस वाली इक्वेशन हमने इसको रख दिया और कुछ नहीं किया है। तो ईटा हमारा हो गया 0.75, डब्ल्यू बाई पी एम इक्वल टू रख दिया डब्ल्यू बाई पी, तो डब्ल्यू अपॉन पी इंटू 8.2। तो डब्ल्यू हमको पूछ रहा है, डब्ल्यू हमने माना है, पी हमको दिया है 10। तो 10 न्यूटन का फल लगा कितना लोड उठा सकते हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ की 10 इंटू 8.2, और जो डब्ल्यू आया वो आया 61.5 न्यूटन। तो सर इस प्रकार हमारा न्यूमेरिकल लगता है डिफरेंशियल वेरिएंट एक्सेल का। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप केवल इलास्टिक रेशियो का फॉर्मूला याद करना है बस, इसमें भी बाकी सारा चीज़ वही पुराना वाला करना है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। जो वेस्टर्न का वैशांतरी पुल्ली ब्लॉक है वो क्या है बोलता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग डायमीटर के दो पुल्लियाँ होती हैं। दोस्तों पुल्ली हम इसके आगे पूरा डिटेल बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों तो याद करिए, जैसे हमारा बेल्ट चलता है, जिस पर हमारा बेल्ट चलता है वही पुल्ली होता है। अरे दो अलग अलग व्यास के पुल्ली हैं, यहाँ पर देखिए एक वन का है एक टू का है, तो यहाँ पर दो प्रकार की पुल्लियाँ हैं और दोनों एक ही में लगी होती हैं, दोनों एक ही में लगभग चिपकी होती हैं। अब क्या होता है इसमें एक से जड़ा हुआ कोई रस्सी आता है, एक से कोई रस्सी आती है, उसी पे एक यहाँ नीचे भी पुल्ली लगी होती है जिसको हम लोअर ब्लॉक पी बोलते हैं, वहाँ पे एक पुल्ली मूवेबल पुल्ली होती है जिस पे हम डब्ल्यू वेट लटकाते हैं। फिर यहाँ से देख तो देखिए ये यहाँ से आती है, फिर यहाँ से ये इसमें चली जाती है, टू वाले चढ़ती है। अब यहाँ पे वन पे ना जा करके वन से आई, लेकिन अब जाएंगी टू पे। अब क्या होगा, ये वाली रस्सी फिर यहाँ से यहाँ से चल जाएगी और यहाँ पूरा ज्वाइंट रहेगी। अब क्योंकि हम यहाँ से पी लगा करके पी फोर्स लगा कर इसको हम खींचेंगे, तो यहाँ पे हम एफर्ट लगाएंगे, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू होगा। ये देखते हैं इसको एक दूसरे फिगर द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों आप इस फिगर द्वारा इसको समझ सकते हैं, अभी हमने जो फिगर दिखाया आपको ये वाला दिखाया था। देखिए यहाँ पे एक पुल्ली ये है, इसको हम वन मान सकते हैं, इसको आप टू मान सकते हैं। अब क्या होता है, हम यहाँ से इसको पकड़ के, ये हमारा हैंड है, इसके द्वारा हम इसको घुमाते हैं। आप चाहे इसको घुमाएं चाहे इसको, दोनों एक बार में एक ही घूमेंगे, पूरा एक रिवोल्यूशन होगा, एक चक्कर घूमेगा। तो हमारे इसको मान लेते हैं इसका व्यास कैपिटल डी है, इसका मान लेते हैं स्मॉल डी है। अब ध्यान दीजिए और इस देखिए ये रस्सी कहाँ से आई, ये ऐसी आई ये पूरी, फिर उसके बाद छोटी सी होकर के बंध गई। ध्यान दीजिएगा, या फिर इसके द्वारा आपको ये दिखेगा तो आपको ये वाला दिखेगा, क्योंकि चैन मानते हैं हम रस्सी यहाँ पर स्लिप हो सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं ग्रूव बने होते हैं, और चैन चढ़ा होता है यहाँ पर ग्रूव होते हैं जैसे कि वो स्लिप ना करे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार कुछ अरेंजमेंट होती है हमारी इसमें, इस मशीन की जो बोलते हैं वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली होता है क्या, मान लीजिए यहाँ पर रस्सी एक चक्कर में खुला कितना पाई डी खुलेगा, और ये क्या होगा यहाँ लपेटेगा पाई स्मॉल पाई डी, जो सेकंड वाली पुल्ली होगी माइनस वाली स्मॉल पाई डी हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये उठेगा कितना, इतना तो यहाँ खुला लेकिन इसमें कुछ जाएगा, और यहाँ पे देखिए इतना इधर भी है इतना इधर भी, मतलब दोनों का जितना खुलेगा उसका आधा ही तो उठेगा ये, तो इसका हम इसलिए यहाँ पे निकालते हैं पाई डी माइनस स्मॉल पाई डी बाई टू, इसलिए इसका हम एवरेज निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे आधा इधर भी दूरी है आधा इधर भी दूरी है, तब इतना तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसका एवरेज निकालते हैं दोनों का और आधा मतलब सॉरी डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, अधिकतर आपको ये देखने पड़ेगा कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये चैन चढ़ी होती है और यहाँ पर हम पी लगाते हैं इस द्वारा पी, ताकि ये इधर जब खींचेंगे दोस्तों देखिए जब ये खींचेगा तो हमारा किधर जाएगा, ये वाला रस्सी किधर जाएगी ऊपर जाएगी, और ये इस तरफ जाएगी और हमारी इस तरफ आएगी। ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, हमने इसको किधर खींचा, इस तरफ खींचा, ठीक। तो ये पहिया किस तरफ घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, ये हमारी चैन इस तरफ जाएगी और ये हमारा कुछ इस तरफ आएगा, लेकिन क्या होगा ये कम खुलेगा, दोनों में क्या होगा खुलने और बंधने में थोड़ा डिफरेंस होगा, इस प्रकार ये वेट हमारा किस उड़ जाएगा ऊपर उड़ जाएगा, और ये पुल्ली भी कुछ इस तरह घूमेगी जैसे ये आया और ये गया, तो ये हमारा जो पुल्ली ये भी इस तरह घूमते हुए हमारी ऊपर उठ जाएगी। अब चलते हैं इसको न्यूमेरिकल पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, मानते हैं पुल्ली वन की डायमीटर D1 है और छोटी वाली पुल्ली का व्यास D2 है, जो हमारा लगाया गया प्रयास है वो P है, और हमारा जो उठाया गया लोड है वो हमारा W है। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे फार वन कम्प्लीट रिवोल्यूशन द अपर पुल्ली ब्लॉक ऑफ द एप्लीकेशन बाई एफर्ट द लेंथ ऑफ द चेन पुल्ड ओवर बाई लार्जर पुल्ली। दोस्तों वही बताया जैसे आपको यहाँ पे कितना रस्सी होगी पूरी, कितना हमारा डिस्टेंस चलेगा पाई डी चलेगा, दिस इक्वल डिस्टेंस
दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट हैज मूव्ड, या उस डिस्टेंस के बराबर होगा जितना मूव होगा, जो हमारा एफर्ट मूव होगा। तो वहीं पे यहाँ पाई डी, दोस्तों साइड में बताना चाहें तो हमारा स्मॉल वाला इसमें पाई डी जो बताए थे, जो हमारा नेट होगा जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा पाई बाई टू डी माइनस डी, यही वही था पाई डी माइनस पाई डी बाई टू, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। हमको इलास्टिक रेशियो निकालना है दोस्तों। ये हमारा क्या था, लोड द्वारा चली गई दूरी थी, और पी द्वारा चली गई दूरी क्या थी, कैपिटल पाई डी। तो वही हमारा यहाँ निकला इलास्टिक रेशियो पाई डी अपन पाई बाई टू डी माइनस डी, तो इलास्टिक रेशियो निकल के आया विल इलास्टिक रेशियो टू पर चला जाएगा, पाई कॉमन एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू डी अपन डी माइनस डी हमारा ये निकल गया है हमारा इलास्टिक रेशियो इस मशीन के लिए। वहीं पे देखिए कुछ और भी दिया है, तो दोस्तों ये हम इस पर न्यूमेरिकल को एक चेक कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं ताकि हमको ये आसान हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन है ए वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अ लोअर ब्लॉक एंड अपर ब्लॉक। दोस्तों इसमें दो ब्लॉक है, एक लोअर ब्लॉक एक अपर ब्लॉक, जैसे आपने देखा भी तो जो लोअर है वो नीचे वाला होगा, अपर ब्लॉक होगा। द अपर ब्लॉक हैज टू कॉर्ड ग्रूव्स, वन ऑफ व्हिच हैज रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर और दूसरा 12.50 सेंटीमीटर। दोस्तों हमने बताया जो अपर ब्लॉक होता है उसमें दो ग्रूव्स होते हैं, एक इसमें भी होता है एक इसमें, जैसे इसमें एक चैन चढ़ा था एक रस्सी इसमें थी, तो ये वाला हमारा दिया है 15 सेंटीमीटर और जो हमारा छोटा वाला दिया है 12.5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आपको रेडियस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोनों का रेडियस दिया हुआ है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 50%, जो हमारा ईटा है वो हमारा दिया हुआ है 50%, तो मुझे कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ 150 न्यूटन। हमारा डब्ल्यू हमारा 150 न्यूटन है, तो हमारा पी कितना होगा ये पूछ रहा है। हमको इलास्टिक रेशियो निकालना है 2d अपॉन d माइनस डी, वहीं पे 2 कैपिटल d। दोस्तों देखिए यहाँ पे चाहे आप d रखिए चाहे r रखिए, दोनों बराबर बात ही एक रहेगी, एक ही रहेगी। देखिए जैसे हमारा 2 ये हमारा हो जाएगा r बाई टू, और ये हमारा हो जाएगा स्मॉल सॉरी कैपिटल r बाई टू माइनस स्मॉल r बाई टू। ये पूरा कॉमन लेंगे, ऊपर भी 1/2 कॉमन ले लेंगे और नीचे 1/2 कॉमन लेंगे, तो कट के एक हो जाएगा, बचेगा 2r अपॉन आर माइनस आर। दोस्तों ये फार्मूला बिल्कुल राइट है, आपको रेडियस दिया हो तो पूरा रेडियस ही रखिए, अगर डायमीटर दिया तो पूरा डायमीटर रखिए, या फिर आप इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करके डायमीटर भी रख सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा 30 × 60 60 हो जाएगा, और 30 − 25 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो हमारा टोटल निकल गया इलास्टिक रेशियो 12 निकल गया हमारा इलास्टिक रेशियो। तो हम बात करेंगे, ये हमको रिलेशन पता ही है, ईटा इक्वल टू एम ए अपन वी ए, अगर हमको परसेंटेज में दिया तो उसका मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ईटा को ही हम 0.5 कर दें। दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने इधर नहीं किया, इधर 50 रखा लेकिन इधर से क्या किया मल्टीप्लाई, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.5 कल टू एम ए अपान 12, बस इतना ही भाई आप कर सकते हैं। एम को निकल के आएगा, एम ए निकल के आएगा 6, और हमको पता है एम ए कल टू डब्ल्यू बाई पी वाइफ बाई पति, आप यहाँ से याद रख सकते हैं इसको आसानी से, हमारा हो जाएगा 6। डब्ल्यू हमको उठाना कितना है 150 न्यूटन का लोड उठाना है, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा वही हमको निकालना है, तो पी कल निकल आएगा 25। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इस सिस्टम से हम 25 न्यूटन का प्रयास लगा करके मेहनत करके हम 150 न्यूटन का लोड उठा पाएंगे। दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन बताएं, उसके पहले हमको एक चीज़ और देखना है यहाँ पे, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला और हम बताना भूल गए थे, ये है हमारा, देखिए अगर हमारे पुल्ली में जो हमारे पुल्ली उसमें अगर खांचे बने हों तब उसका इलास्टिक रेशियो क्या होगा। मानते हैं जो बड़ी वाली पुल्ली है उसमें जो ग्रूव्स बने हुए हैं उनकी संख्या N1 है, और जो छोटी वाली पुल्ली है उसमें उनके रिसेस जिसको हम रिसेस बोलते हैं उनकी संख्या N2 है। तो अब उसका इलास्टिक रेशियो हमारा हो जाएगा वी आर इक्वल टू 2N1 अपान N1 − N2। N1 क्या है, बड़ी वाली पुल्ली में हमारे जो खांचे हैं जो ग्रूव्स हैं उनकी संख्या है, और N1 छोटे बड़े वाले का है, और N2 हमारा छोटे वाली पुल्ली का है। तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज वही फार्मूला है हमारा W अपान पी, ईटा हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी निकालते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज अपान इलास्टिक रेशियो। अब आते हैं इस पर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार है, इन अ वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, क्या है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक है, इसमें नंबर ऑफ रेशियोज इन द स्मॉलर पुल्ली व्हील, जो छोटा वाला व्हील है उसमें जो है वो उसका रेशियो दिया 9/10 ऑफ
दैट ऑफ द लार्जर व्हील, मतलब कि अगर बड़े वाले में 10 है, छोटे वाले में कितनी है, 9, तुम्हारा बड़ा वाला हो जाएगा एन वन और छोटा वाला हो जाएगा एन टू, तो एन वन का मतलब यहाँ निकाल सकते हैं हमारा हो जाएगा 10 और छोटे वाले व्हील में हमारा हो जाएगा 9, वही तो निकल के आएगा, अगर इसमें 10 है तो इसमें 9, हम इसको इतना ही ले रहे हैं। अब दिया इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, अगर हमारी मशीन की दक्षता 60% है तो हमको बता रहा है कि हम 30 न्यूटन का एफर्ट लगा करके कितना लोड लिफ्ट कर पाएंगे, तो आइए चलते हैं। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, इलास्टिक रेशियो निकालेंगे, 2n1 अपॉन n1 माइनस n2, तो 2n1 हमारा था 10 और ये 10 माइनस 9, तो हमारा इलास्टिक रेशियो निकल के आ जाएगा 20। अब यहाँ से हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज तो एम ए कल्ट हो जाएगा डब्ल्यू बाई पी, डब्ल्यू हमको पूछ ही रहा है और हमारा पी हमारा 30 पूछ रहा है, दिया हुआ है कि हम 30 न्यूटन का प्रयास लगा करके कितना लोड उठाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी ईटा, मेरी ईटा भी दिया हुआ है 60%, दोस्तों कितने दिया 60%, तो जब इसको 60 को न्यूटन चेंज कर दो 60/100, तो ये हो जाएगा 0.60, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 6 रहेगा, ईटा 0.6, एम ए डब्ल्यू बाई 30 हो जाएगा, डब्ल्यू बाई 30 इतना लिख लिए, इलास्टिक रेशियो ये हमारा 20 था, जब इसको हल किए डब्ल्यू इक्वल टू आ गया 300 न्यूटन। दोस्तों ये हमारा हुआ इस तरह का वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का कुछ न्यूमेरिकल। दोस्तों अगले लेक्चर हम मिलते हैं पुली के साथ, पुली हैं जो सिस्टम ऑफ पुली हैं और उसका कैसे अरेंजमेंट होता है सब अगले लेक्चर हम पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।